हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब, और स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल वर्ल्ड मंक। मैं हूँ इस वक्त हरिद्वार, और सामने देखिए आप गंगा जी का नज़ारा है। यहाँ अभी आपके सामने जो बोर्ड लगा हुआ है उस पर लिखा हुआ है गंगा मैया में पन्नी कूड़ा इत्यादि ना डालें। इसके अलावा अभी अभी फिलहाल यहाँ पे सफाई हुई है। यहाँ से जैसे ही हम लोग गंगा जी की तरफ चलेंगे, यानी हर की पौड़ी की तरफ चलेंगे, मैं अभी आपको लेकर वहाँ भी चलने वाला हूँ। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, क्योंकि ऐसी अपडेट मैं यहाँ पर लेकर आपके लिए आता रहता हूँ। हरिद्वार गंगा जी के किनारे बसा एक ऐसा शहर जिसको हम धर्मनगरी हरिद्वार भी बोलते हैं, और यहाँ पर साल के 365 दिन यानी 12 महीने आपको श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार दिखाई देगी। इसीलिए वैसे तो आप हरिद्वार कभी भी आ सकते हैं, लेकिन इन महीनों में यानी कि अप्रैल के बाद बहुत ही ज़्यादा भीड़ यहाँ आपको दिखाई देगी। आपके सामने है भगीरथी सेतु और नाई घाट का दृश्य देख रहे हैं। गंगा जी में इस वक्त जल की मात्रा बिल्कुल कम है। जितना हो सके इस वीडियो को भी शेयर करें, गंगा जी के दर्शन करें। इस वक्त आप गंगा जी के दर्शन कर रहे हैं, और हर की पौड़ी का ये बिल्कुल लेटेस्ट नज़ारा। देखिए कितनी भीड़ है, इस भीड़ में आप भी हो सकते हैं, तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन जरूर दबाना, और वीडियो को जितना हो सके शेयर करना। हर रोज़ हर की पौड़ी पर लाखों तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं, और आप लोग तो नए हैं, क्योंकि हर रोज एक नया व्यक्ति हर की पौड़ी पर पहुंचता है और नकली साधुओं के जाल में फंस जाता है, क्योंकि वो साधु तो यहाँ पर परमानेंट है, डेली है यहाँ पर, लेकिन आप लोग हमेशा नए होते हो, आपको क्या पता वो असली है या नकली है। तो जिससे मैंने हाथ मिलाया ये है भाई मुकेश हेल्प हरिद्वार, इनका चैनल है दोस्तों हरिद्वार का ही, और मुझे इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। फिलहाल आप जो देख रहे हैं गंगा जी के लेटेस्ट नज़ारे देख रहे हैं, और चारों तरफ का जो दृश्य देख रहे हैं, भीड़ बहुत है, क्योंकि ये जो मौसम है बहुत ही ज़बरदस्त भीड़। कभी ना कभी वैसे तो आपने खुद ने भी नोटिस की होगी, आपको भी इस चीज़ से समस्या ज़रूर हुई होगी, क्योंकि जैसे कि महिलाओं को ज़्यादातर होती है, यहाँ के चेंजिंग रूम टूटे हुए पड़े हैं, लेकिन उन महिलाओं के लिए भी यहाँ के इंस्ट्रक्शन हैं जो गंगा सभा के हैं, कि जो भी महिला चेंजिंग रूम में कपड़े चेंज करती हैं उनसे निवेदन है, ऐसा गंगा सभा बोलती है, कि कपड़े वहाँ पर ना छोड़ें, गंदगी बिल्कुल ना करें, और कोई भी गंदा या कोई भी गंदी चीज़ वहाँ पर ना डालें। हर की पौड़ी के अलावा यहाँ पर बहुत से ऐसे घाट हैं जो शांत हैं, यदि आपको शांत घाट पसंद है तो उसके लिए वीडियो डाली गई है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप हरिद्वार से अयोध्या की यात्रा देखना चाहते हैं, तो मैंने ये यात्रा साइकिल के द्वारा की है। कितने दिन में पहुँचा, कैसे कैसे पहुँचा, और क्या समस्याएँ आई, या फिर कुछ आई या नहीं आई, और वहाँ पर क्या समाधान रहा, वो भी वीडियो डाली गई है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। चलते चलते बात कर लेते हैं इन बाबाओं की। तो दोस्तों ये स्कैम हरिद्वार में सभी धार्मिक स्थलों पर होता है, लेकिन थोड़ा सा सावधान रहें। अभी इसको देखो, ये फुल नशे में घूम रहा है यहाँ, और आप लोग ऐसे आदमी को ध्यान देते हैं पैसे का खाने का, अरे ऐसे को तो कुछ भी मत दो। इसके अलावा आपने नोटिस की होगी दोस्तों, सभी गुरुद्वारे में लंगर चलता है 24 घंटे, लेकिन इन लोगों को गुरुद्वारे के आसपास मांगते हुए बिल्कुल नहीं देखा होगा, क्योंकि वहाँ सवाल किया जाता है, हम और आप लोग बिल्कुल सवाल नहीं करते। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, सपोर्ट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। अपने धन का सही जगह उपयोग हो, इस तरह से क्या लिया, इसने क्या दिया, तो ऐसा ना हो उसके लिए ध्यान रखें, सावधान रहें। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में अपने विचार भरते रहें।